पूरी बैठी थी। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही बोलना चाह रही थी कि सब लोग साथ मिलकर करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, करना सबको है। देखो दूसरों के सहारे अपनी नौका पार नहीं होती है, ठीक है? दूसरे नौका लेके चलेंगे तो इसका मतलब चलेगा तुम उनके लोगों इंतजार करते रहोगे। नहीं ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना तो फिर समझ जाओ कि बहुत टाइम लगने वाली है। खुद से मेहनत करने का अगर जुनून है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने लगना पड़ेगा, उसमें क्या है, टाइम लगेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ ही नहीं होता है। आप ऐसा ऐसा क्यों समझ रहे हो कि दूसरा का सहारा मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे सही होता है? ठीक है, वो एक सहारा नहीं मांग तो खुद से करो ना, फिर मैं तो हूँ ही, मैं तो बोला ही हूँ, पर मेरे भरोसे आप बैठे रहोगे नहीं, सर करके देंगे फिर हम उस सर का टाप लेंगे, तो फिर तो समझ जाओ कि क्या ही तैयारी कर रहे हो फिर आप लोग। वो टीपने वाला भी नहीं कह रही हूँ, आप गलत समझ रहे हो, मैं टीपने वाला भी नहीं कह रही हूँ। फिर और आपको ये बता दूंगा मैं टीपने वाली लड़की होगी नहीं, मैं खुद का ही करती हूँ। तो फिर करो ना, तो फिर काहे फालतू में इधर उधर ताक रहे हो, काहे ताक रहे हो, फिर कीजिए अपने आप से मेहनत। देखो सुनो, जैसे ऐसे का मैं बता रहा हूँ, ऐसे का क्या काम करना होता है, वो करना पड़ेगा भाई, मैंने भी किया है काम। सर नगीने सही कह रही, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है सर, तो उससे क्या है, आईएएस ऐसे फ्री फोकट में बन जाओगे, आंसर का फॉर्मेट बनाने में आईएएस फ्री फोकट में बन जाओगे। अरे मतलब ये क्या, रोटी भाई जैसे खाना बनाना होता है मेहनत लगती है, अब दूसरा ढाबे से खाना मंगा के खाओगे तो फिर वो स्वाद से ही मिलेगा, तो गारंटी भी नहीं है उसकी, उसमें कितनी स्वच्छता रखी गई है, क्या है सब सारी चीज़ें। मेहनत करना है तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आप लोग यही तो नहीं समझ रहे, विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं होता। रही दूसरी बात, करना पड़ेगा काम, मॉडल आंसर बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, परंतु वही तरीका है यूपीएससी क्रैक करने का। पीटी के जो थीम है उन पर आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ थोड़ा सपोर्ट ही जरूरत हो वहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ। ये बोलो कि मेरा नोट्स लो पढ़ लो, वो काम अपंग बनाना है एक तरीके से, और कुछ नहीं है वो। नोट्स से सर आइडिया तो होता है ना कि क्या क्या और चीजें आ सकती है, हमने क्या मिस कर दिया, वो तो मैं दूंगा ही आपको, पर आप अपनी तरफ से तो कुछ तो बनाओ ना, एटलीस्ट कुछ ढांचा तो तैयार करो आप अपनी तरफ से। तो सही है तो बनाइए, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मैंने मैसेज जाके देखो मैंने क्या रिप्लाई किया है, कंटिन्यू रखो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर को जो कमियाँ लगेगी मेरे नोट से देखे कर देख लेना, पर तो आप सोचोगे नहीं कहले सर अब आपके नोट दे दो हम उसी कॉपी पेस्ट मान लेंगे, ऐसे काम नहीं होता, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, समझे कोई बात। बैक में तो मैं खड़ा ही हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे ऐसे के जो नोट्स, पर आप एटलीस्ट याद करो, मैं पिछले साल आप लोगों को जब ऐसे क्लासेस करवाया था कितने लोगों ने तैयार किए, कोड तैयार कितने लोगों ने किए, शब्दकोश कितने लोगों ने तैयार किए, मुझे बताइए, एक भी बच्चा नहीं है जिसने साल भर का, पूरा साल भर हो गया, तो समझ लो फिर आप मेरा इंतजार कर रहे हो, तो मैं इसलिए क्यों नहीं दे रहा नोट्स, मुझे पता है मैं पिछले साल भी इसलिए नोट्स नहीं दिया था, अब आखिरी में क्या है मेरी तरफ से, देखो अपना पैरों पर खिलाड़ी मारने तो मारो, मेरे को क्या जा रहा है, हकीकत बात तो यही है ना, अब लास्ट ईयर का मेरे को आउटपुट बता दो आप सब लोगों का, बताओ आप लोगों ने तैयार किया, मैंने उस टाइम भी लास्ट ईयर भी आपको यही सेम चीज़ें बोल रहा था कि भाई कर लो, आज भी मैं पूछूंगा सिलेबस किसी को याद नहीं होगा, और सिलेबस के लिए मैंने पिछले साल भी एक महीना दिया था, अब की बार भी एक महीना दिया, अभी पूछ लूँगा सिलेबस याद नहीं होगा आप लोगों को, तो बात यही है कि भाई लापरवाही आप अपनी तरफ से कर रहे हो ना, ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है काजल, तुम कहाँ गायब रहते हो? सर मेरा फोन खराब हो गया था कल, अच्छा इस चक्कर में क्लास नहीं ली। अब देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, पीटी का काम जो करना है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा पीटी का, जैसे मान लो सैटरडे का आपका टेस्ट है पीटी का, तो आप जैसे 2011 का टेस्ट दिए, जीएस का दिए, सीसेट का दिए,
सीसेट का मान लो कि जो क्वेश्चन आ रहे थे वो कर लिए मान लो, ठीक है, आप मेरे को नंबर बता दो भाई इतने नंबर आए हैं, उसके बाद में आपको सीसेट में जो क्वेश्चन नहीं आए हैं जाके वीडियो देखे, मेरा वीडियो बना हुआ है और वो मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें जाके फिर देखो कहाँ गड़बड़ी हो रही है अपने से, उन क्वेश्चन सब ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करो, पैसेज को अच्छे से पढ़ो, जो मान लो एग्ज़ाम में बाद में देखो कहाँ गलती होगी पैसेज में, उन क्वेश्चनों को जाके देखो, मेरे वीडियो के साथ देखो उनको, तो सेसेट का ये काम करो। जीएस का 2011 पेपर लगाओगे, मान लो कि क्वेश्चन किए कितनी बार लगाने के लिए मैंने बोल चुका हूँ, अब तो याद हो जाने चाहिए, फिर भी मान लो गलती होगी मैं तो फिर बता रहा हूँ, देख लेना कल वही हाल रहेगा, 60-70 क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं होंगे, पर होने चाहिए 80-90 क्वेश्चन सही, देखते हो तो 2011 क्या हाल रहता तुम लोगों का। तो उसके बाद में करना क्या है कि भाई चलो ठीक, जहाँ गलती हो रही तो ट्रिक एक बार वीडियो जाके निकालो, उसको देखो फटाफट से कि अच्छा ये ट्रिक सर ने बताया था मैं भूल गई हूँ। उसके बाद में उसमें ये काम करना है, जीएस में जाके देखो, मैंने पिछले साल भी R&D करने बोला था, उसमें से अच्छी अच्छी थीम छाट लो भाई, जैसे मान लो कि भारत छोड़ो आंदोलन है, इनसे हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आ रहे हैं, ठीक है, 2024 का पेपर अपने सामने रखो, फिर उसके बाद थीम वाइज अपने नोट्स बनाओ, तब जाके PT निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। संडे को ऐसे का टेस्ट है आपको, मैंने बोला था ऐसे कि मेरे क्लासेज जाके देखो पहले, और जिसमें उस मैंने जो काम बोला वो करो आप लोग, उसमें मैंने बोला कोर्स तैयार करो, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं दे तो दूंगा अपने नोट्स, पर भाई देखो सबका एक सब्जेक्टिविटी का विषय है, और देखो मेरा जैसे ऐसा नेचर है कि भाई मुझे याद नहीं होती है चीज़ें, तो मैं इस टाइप के कोड लिख के रखा हूँ उसमें छाट छाट के, मान लो कम से कम 1000 कोड्स थे तो मैंने उसमें छाट छाट के 200 या 250 समथिंग मैंने कोड्स तैयार किए हैं, अब वो मेरे अकॉर्डिंग फिट है भाई, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसे फिट हो जाएगा, आप ये लोग ये समझ क्यों नहीं रहे हो, और जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर मैंने दूसरा काम क्या किया, जो हमारा दृष्टि की जो बुक है उसके स्ट्रेटेजी को लेकर टॉपर्स के 3-4 लोगों का जो ऐसे कैसे लिखना चाहिए क्या है, अब उसमें जो मुझे लगा पॉइंट वो मैंने लिखे हैं छाट के, उसके बाद मैंने शब्दकोश तैयार किया, लगभग वो 1000 के 10000 के समथिंग शब्दकोश होगा, अब हो सकता है भाई आपको नॉर्मल वर्ड लगे, आपके लिए ज़रूरी ना हो, तो आप वही मैं बता रहा हूँ कि भाई किसी दूसरे के नोट्स से बस आप एक आइडिया ले सकते हो, पर आप सोचो कि उसी को पढ़ के आप UPSC क्रैक कर लोगे तो बहुत बड़ी दुविधा में हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मेहनत कीजिए, मैं मेहनत का वो तरीका बता रहा हूँ भाई, आपको इस तरीके से मेहनत करना है। अब मैंने क्लासेज में जाके ऐसी क्लासेज में जाके देखे मैंने क्या बोला है कि आप जाके पहले दृष्टि वाली बुक पढ़ो भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको उससे एटलीस्ट आपकी, मैंने बहुत सारों की हिंदी कंपलसरी कॉपियाँ चेक किया हूँ उसमें हिंदी कंपलसरी पास नहीं हो रहे, उसके शब्दकोश लिखना नहीं आ रहा, मतलब कल मैंने सर चेक तो किया था कितनी अशुद्धियाँ है, तो भाई वो दृष्टि की बुक पढ़ो जाके, एटलीस्ट ये कमियाँ वाक्य संरचना आएगी। अब आप लोग सोचोगे नहीं डायरेक्ट हम तो टॉपर से कॉपियाँ पढ़े और हम टॉपर बन जाए, ऐसे नहीं होगा काम भाई, अपने पहले अपनी पृष्ठभूमि देखिए, आपसे वाक्य संरचना में गड़बड़ी हो रही है, आप त्रुटियाँ कर रहे हो, मात्रात्मक त्रुटियाँ कर रहे हो, तो जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कैसे वो भाई वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद में टॉपर्स की कॉपी आखिरी तरीका होता है, पहले उस लेवल पे अपना पृष्ठभूमि तो तैयार कीजिए आप। अब बात आती है, ये हो गया ऐसे का काम, उसके बाद में GS1 से लेके GS4 अपना ऑप्शनल का मैंने बोला था कि क्लासेस कंप्लीट करो, 3 महीने का मैं तुम लोगों को टाइम दिया हूँ, उसके बावजूद बहुत सारे लोग तो ना क्लासेस कंप्लीट हुई है ना कोई आप लोगों में से मतलब किसी ने मॉडल आंसर बना के मुझे नहीं दिया, मैं 3 महीने का टारगेट दिया था आप लोगों को, 3 महीने का टारगेट था, उसके बावजूद भी लापरवाही है, मैं तो गारंटी साथ बता रहा हूँ, मैंने अभी दिसंबर तक का टाइम दिया ना ऑप्शनल कंप्लीट करके 5 बार रिवीजन करके मॉडल आंसर बना के, देख लेना कितने लोगों का होगा, अभी लापरवाही आपकी तरफ से है ना, अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चम्मच स्पिन फीडिंग नहीं करवा सकता ना आपको, मैं चम्मच से खिला दूँ भाई ऐसे हो गया, चलो रामबाण है कोई चूरण दे दिया कोई रामदेव बाबा का कि हाँ ये है चूरण ले लो IAS बन जाओगे, जब आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे फर्क दिखेगा, अरे अच्छी क्या समझो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पढ़ना हो तो पढ़ो, और अब क्या मैं पहले बता रहा हूँ 31 अक्टूबर मतलब जिसकी फीस नहीं आएगी तो भाई साइड में निकलो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात सीधी सी बात आपकी बात नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं, अगर आप मेरे प्रति अकाउंटेबल नहीं बनते तो मैं भी क्यों आपके प्रति अकाउंटेबल बनूँ। अब देखो आज ये कितने बच्चे हैं, बस ये 6-4-5 लोग हैं जो क्लास ज्वाइन कर रहे हो, वही है कि आप अपनी तरफ से भाई ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। क्यों कहाँ थे तुम? अरे निकलने टाइम हो गया, फिर से निकल आ रहा था, ठीक है तो ये चीज़ याद रखो। तो GS का मैं फिर बता रहा हूँ टू द पॉइंट कैसे, देखो ये हो सकता है, दो तरीका है, अब जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। देखो एक तरीका ये है कि शॉर्ट नोट्स बना लो सिलेबस के वाइज, ठीक है, जो मैंने किया है काम,
सिलेबस वाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, जी एस वन से लेके ऑप्शनल सब के, ठीक है। पहला काम, अगर आप दूसरा तरीका, मतलब पहला तरीका यही है कि आप जी एस के सिलेबस वाइज टॉपिक टू द पॉइंट शॉर्ट नोट बना लो, उसके बाद में अपना मॉडल आंसर बना लो, एक तो ये तरीका है। अब भाई जिसको तुम लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं सर हमें बर्डन लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसका एक तरीका मैं बता सकता हूँ जो कर सकते हो बस। अब उसमें आप क्या करोगे कि जैसे मान लो कि फूड प्रोसेसिंग ही वो टॉपिक उठाया अपने सिलेबस से, उसके बाद में आप क्या करो उससे रिलेटेड जो जितने 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको एक जगह लिखो, ठीक है। फिर उस पर डायमेंशन केच करो कि डायमेंशन क्या क्या पूछा है उसने, कभी वो पूछ रहा है इसकी प्रॉब्लम क्या है, कभी पूछ रहा है गवर्नमेंट ने सोल्यूशन का क्या प्रयास किए हैं, फिर कई बार पूछ रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे भारत में मतलब रोज़गार को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे करके आपको 7-8 एंगल मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 डायमेंशन पूछता है, और इससे क्या होगा रिपीट जो होता है वो चीज़ें भी हो जाएगी। अब क्या होगा जब आप इस तरीके से अपने जो तो तैयार कर लोगे, तो उसमें 1-2 डायमेंशन अपनी तरफ से ऐड कर लोगे, इंट्रोडक्शन बढ़िया से तैयार कर लो, कंक्लूजन अपनी तरीके से तैयार कर लो, तो इससे क्या होगा जो डबल बर्डन आप लोगों को लग रहा है कि हम पहले सिलेबस वाइज नोट्स भी बनाएं उसके बाद मॉडल आंसर बनाएं, तो उससे बचने का तरीका यही है। अगर स्मार्ट वे अगर मेरे मानो तो ये कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका PYQ भी कंप्लीट हो गया और आपका जो सिलेबस वाइज है नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। परंतु इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत ये आएगी, देखो हर टॉपिक से UPSC क्वेश्चन पूछा तो है नहीं, ठीक है, और कभी 1-2 टॉपिक पूछा है, तो अगर आप मान लो कि उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन मान के करोगे तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मान लो पॉवर्टी वाला है, पॉवर्टी वाला मान लो कि UPSC ने पूछा इकोनॉमिक रीजन ही पूछे, परंतु आपको उसको सोशल रीजन ही पता होने चाहिए, वो तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। मेरा मानना कि अगर आपको थोड़ा वो बर्डन लग रहा है कि आप सिलेबस वाइज नोट्स बनाओ फिर PYQ का मॉडल आंसर बनाओ, तो उससे अच्छा फिर ये कर सकते हो, पर इसमें करते वक्त भी ये ध्यान रखना कि आपका सिलेबस कवर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली PYQ के थीम को ही तैयार कर लिया है, उसके अलावा जो सिलेबस है उसके पार्ट को छोड़ दिया, जैसे बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जहाँ से UPSC ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, चाहे ऑप्शनल हो चाहे कुछ भी हो। हाँ बोलो अमित। ये सब्जेक्टिव नोट्स तो बनाने जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तब तो भूल जाओ कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपसे जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे आप रिवीजन करके नहीं जा पाओगे, तो शॉर्ट नोट होना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। क्या बता रहा हूं कमरे। बोलो। हाँ मैं ये बोल रही थी सर, जैसे आपने बोला PYQ जैसे हमने कर लिए, तो सर जो हमारे टॉपिक बच रहे हैं बस वो हम कर रहे हैं, तो हमारा कवर हो जाएगा ना। हाँ तो वैसे कर लो, करना तो पड़ेगा ही ना, उसमें क्या है, क्योंकि जो थीम PYQ में आगे वो हम सिलेबस में नहीं रखेंगे उसको, बट हाँ। कर देंगे तो उससे शॉर्ट आउट हो। भाई मेहनत करनी ही पड़ेगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो, मेहनत बिना मेहनत कुछ होगा नहीं काम, समझ में आया ना कि ना, आप बताइए नगीना। अब इसमें क्या मदद चाहिए अब बताइए आप, दूसरे की मदद क्या भाई, करना तो खुद से ही पड़ेगा ना। सर ये मेरी समस्या है ही नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं सर हम साथ में मिलके करेंगे तब सब होगा। अब आप रहने दो। रहने दो। नगीना के बाउंस हो गई। नूरी कुछ पूछना है, नूरी पूछे। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए कुछ आइडिया बता दीजिए। ठीक है ऐसा करता हूँ मैं इंटरनल सिक्योरिटी के मेरे नोट्स तो डाले थे, मैं एक बार दोबारा वो PDF भेज दूंगा, वो कंप्लीट नोट्स है इंटरनल सिक्योरिटी के, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ एड ऑन करना है नहीं, बस करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ के जब भी आपको एग्जाम देना तो वो मैं नोट भेज दूंगा। सर सारे सब्जेक्ट के बनाने होंगे। बनाने तो पड़ेंगे, ऑप्शनल का भी बनाना चाहिए। GS1 सर मैंने वैसे नोट्स तो पूरे कंप्लीट बनाए हैं सब्जेक्ट्स के, मतलब PW से, तो शॉर्ट नोट्स तो नहीं बना पाए अभी। नहीं उस बनाना पड़ेगा वो, पर वो जब आएगा जब आप 4-5 बार यूजिंग कर लोगे तब। ओके सर। तब बनेगा, वैसे नहीं बनता है वैसे, फिर आप वो कर। ठीक है मैं कुछ कुछ नोट्स अपने भेजता हूँ, पर वही बात मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है मैं भेज तो दूंगा पर बात वही है फिर आप उसको कॉपी पेस्ट मारोगे। ऐसे मेरे तैयार है, जैसे मान लो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का आराम से आपको भेज सकता हूँ, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी मैंने भेजा ही था, इथिक्स के मैं भेज सकता हूँ, इथिक्स में पर मैं कुछ काम करूँ तभी नहीं भेजूंगा, वो शॉर्ट करने और शॉर्ट करने इतने लेंथी पढ़ाई नहीं जाता एग्जाम में, मैं देखा आपकी बात नहीं उससे काम नहीं चलेगा, तो और शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ खुद से पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है, मेरे शॉर्ट नोट्स यूज़ करना इज़ नॉट गुड थिंग,
इसलिए मैंने धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स का भी यूज करने से क्यों मना किया था, मैंने इसीलिए बोला था भाई किसी के शॉर्ट नोट्स उसने किताबें पढ़ के बनाया है तो उसका आधा अधूरा नॉलेज तो ऐसे गायब हो गया तुम लोग अगर उससे सीखते हो तो फिर वो हमारा पढ़ने में चला जाएगा। तो बस वही तो बात है ना, तुम लोग ये तो नहीं समझते, खुद से पढ़ के बनाओ बहुत अच्छा रहेगा, खुद की समझ रहेगी, थोड़ा बहुत सारा ले लो आखिरी में जब मेरे नोट दूंगा भाई सर ने ये एंगल ऐड किया मेरे में नहीं है, बस उतना कर लो, बस मेरे नोट्स का यूज उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स का कॉपी पेस्ट मारो, वो तरीका सही नहीं है। चलो ठीक है, अब जिसने ऐसे लिखा है एक बार चेक कर लेते उनके। ये तो शायद मैंने आंसर आईटी वाला ग्रुप भेजा था ना इसमें, ये किसका है नोट्स, किसका है अमित तुम्हारा, अमित अमित का है, पूजा का है, किसका है ये, अरे आवाज आ रही है मेरी, कुछ बोलो तो श्री सर, वो देख लियो कहां से भेजा है, नेगेटिव छोड़ के बात, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है आ रही है, ये किसका है, तो फिर बोल के नहीं रहे, ये किसका है, तुम्हारा है अमित, हाँ ये आहिल मेरा ही है, तो फिर बोल का ही नहीं रहे, चलो ठीक है देखते हैं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है, पहली बात मैंने कल क्या बोलते इसको ऐसे बंद करना सीखो, और मुझे ज़्यादा लग रहा है अमित तुम्हारा पहला ऐसे जो तुम मेरे से चेक करवा रहे हो, मुझे याद है पिछले साल में तुमने कोई कुछ चेक नहीं करवाया था, ऐसे मैंने भेजे थे 2-3 सर, ये मुझे अभी भी याद है, मेरे पास अभी भी है वो पीडीएफ, चेक तो नहीं करवाए तुम मेरे से, चलो ठीक है जीएस वाला, चलो कोई नहीं, दार्शनिक, दार्शनिक ऐसे लिखा जाता है, हाँ दिखना रहा तुम्हें, चलो ठीक आगे देखते हैं, ये गलती देखो, दार्शनिक इस दार्शनिक से इस बात का सुझाव देता है, ये वाक्य संरचना देखो, यही फर्क पड़ता है, तुम लोग अपने ही मन में मस्त हुए बैठे हो और मैं डांट देता हूँ तो फिर क्लास विलास छोड़ के भाग जाते हो, भाई मैं तुम्हारे भविष्य के लिए डांटता हूँ, तुम लोग मेरी तरफ से क्या जा रहा है मेरा, यही तो बात है आज के दौर में, कोई सच्चा कोई टीचर है आपका भला चाहता है तो वो डांटेगा, सीधी सी बात है, अब देखिए वाक्य सचना पूरी गलत है, दार्शनिक से इस बात का सुझाव देता है कि वाक्य सचना देखो, खुशी को कभी भी है ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो, मैंने शायद पिछले साल भी बात बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो जो भी लिख रहा है, एक बार खुद से पहले ना, एक बार लिखने के बाद खुद से अपने ऐसे पढ़ा करो, आपको खुद को पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ी है, दार्शनिक से इस बात का सुझाव देता है कि खुशी को दूर के लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि जीवन की यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए, यह वर्तमान क्षण में खुशी संतुष्टि पाने के महत्व पर जोर देता है, न कि कुछ शर्तों को पूरा होने तक इसे स्थगित करने के लिए, जैसा कि यह विचार जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है, यह हमें बताता है कि प्रसन्नता एक मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए, अमित में इतना गारंटी के साथ बता सकता है, कॉपी पेस्ट मारा हुआ है किधर से, दैट्स नॉट योर वर्ड, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये बात सही है गलत, हाँ सर सही है, लगभग 60-40 का रेशियो समझ सकते हैं भाई मैं समझ जाता हूँ कौन किसका क्या लिखा हुआ है, चलो ठीक है, मैं अपना तरफ से भी लिखना सीखिए, अक्सर अब देखिए रह को तुम कैसे लिखते हो, अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी विशेष उपलब्धि उद्देश्य या भविष्य की घटना से ही हमें प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन इस विचार से हमें यह समझने को मिलता है कि प्रसन्नता एक अंतहीन खोज नहीं है बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, प्रसन्नता और लक्ष्य, पहली बात यह है ना, बच्चों जैसे ऐसे मत लिखो, ऐसे हेडिंग नहीं दी जाती है, वो 10th क्लास तक चलता है, 10th-12th क्लास तक इधर नहीं चलेगा, आधुनिक मैंने देखा था वो हिंदी कंपल्सरी में बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा हेडिंग डाल के, वो नहीं चलेगा, आधुनिक समाज में हम प्राय प्रसन्नता से एक भौतिक सफलता समृद्धि या किसी विशिष्ट लक्ष्य से जोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा, स्थिरता या सामाजिक प्रतिष्ठा होगी,
तभी हम प्रसन्न होंगे। परंतु जब एक लक्ष्य पूरा होता है तो नया लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। इस तरह प्रसन्नता लगातार क्या होता है, लगातार होगा ना, ये क्या है, लगातार है, लगातार है, सब छूट गया है। अंतकाल तक आगे बढ़ता रहता है। वास्तविकता यह है कि यदि हम प्रसन्नता को अपने लक्ष्य और परिस्थितियों से जोड़ते हैं तो हम कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं हो सकते। जीवन में चुनौतियाँ और संघर्ष अनिवार्य हैं और हर बार जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो एक नया संघर्ष शुरू होता है। इसलिए प्रसन्नता को लक्ष्य जोड़ने के बजाय उसके दैनिक अभ्यास बनाना महत्वपूर्ण है। आंती प्रसन्न, तुम तो भाई देखो फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे का थीम ये होता है यहाँ लिखना होता, तुम लोग यहाँ लिख रहे हो, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। प्रसन्नता हमारी बाहरी वस्तु है भाई, उसमें सीधे से प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है, ये है उसका थीम। प्रसन्नता बाहरी वस्तु है, परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति है। यह मानसिक शांति, संतुलन और स्वीकृति पर आधारित होती है। जब हम अपने जीवन में हर पल को प्रसन्नता के साथ जीने का अभ्यास करते हैं तब जीवन हम जीवन की कठिनाइयों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में बुद्ध धर्म में प्रसन्नता, बौद्ध धर्म आएगा, बुद्ध धर्म से ही होता है। प्रसन्नता को आंतरिक जागरूकता और शांति से जोड़ा गया है, बुद्ध कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम मात्रा लगाए कि इच्छाओं के त्याग और वर्तमान में जीना ही प्रसन्नता का मूल आधार है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने भीतर एक स्थित प्रसन्नता को महसूस करते हैं। प्रसन्नता वर्तमान में, प्रसन्नता ही मार्ग है। अभी मतलब है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावा हमें वर्तमान के सुख से दूर कर देता है। जब हम अपने हर क्षण पूरी तरह से जीते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रसन्नता किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं है बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। योग ध्यान जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन भी इसी विचार को प्रकट करते हैं। योग हमें सिखाता है कि वर्तमान में कैसे जीना चाहिए और जीवन के हर क्षण में एक आंतरिक संतुलन और प्रसन्नता के साथ कैसे स्वीकार करना चाहिए। समाज में प्रसन्नता, समाज में प्रसन्नता का विचार अक्सर भौतिक वस्तुओं से जुड़ा होता है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद यह विश्वास दिलाते हैं कि खुश होने के लिए हमें कुछ विशेष वस्तु की आवश्यकता है, परंतु यह दृष्टिकोण हमें कभी भी वास्तविक प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता को एक आंतरिक स्थिति के रूप में देखेगा तो सामाजिक और आर्थिक असमानता, ये देखो है, अच्छे से नहीं लिखने आता तुम्हें, भय लग रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, वो आते हैं सुलेख वाली, वो बच्चों वाली प्रैक्टिस करो। प्रसन्नता हमारी परिस्थिति से स्वतंत्र हो। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम दूसरों की प्रसन्नता और भलाई में योगदान दे सकती है। प्रसन्न रहने वाले लोग प्राय विनम्र होते हैं। प्रसन्न व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे बुलेट पॉइंट भी नहीं लिखा जाता, ऐसे ये क्या है, बुलेट पॉइंट भी लिखे हो तुम। समाज जितने महापुरुष हुए हैं उन सबने इस भावना को अपनाकर समाज को उन्नत किया। एक साहित्यकार की प्रसन्नता समाज की समस्या को समाधान करके प्रयत्नशील नाटककार अपने नाटक के माध्यम से ऐसे शैली होता है। पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलता अमित, बहुत सुधार की जरूरत है। तुम क्लास नहीं देख रहे हो क्या अमित, क्या कर रहे हो तुम, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो अमित, मैं अकेले बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, कैसे तुम्हें करना है ना, बीपीएससी की तैयारी कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे आधा अधूरा इधर भागोगे करो तो फिर इधर मेहनत करो अच्छे तरीके से, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी देखो बुलेट पॉइंट में कब मैंने बोला ऐसे लिखा जाता है, ये बताओ मुझे, सुधार लो गलतियाँ। एक साल में क्या, एक कब सुधरोगे तुम लोग। अब क्या मैं डांटूंगा भाई, जिसको भागना भागे, सीधी सी बात है। वो आगे भी लिखा था मैंने, आगे भी लिखा है मैंने। आगे कहाँ लिखा है, दो ऐसे लिखा था क्या उसमें, एक ही है पर वो उसका एक निष्कर्ष लिखा था मैंने लास्ट में। छोड़ो वो कुछ काम का नहीं, तुम बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो, ठीक है देख लेंगे पूजा के बाद, रुक जाओ देख लेते हैं भाई, फिर तू गुस्सा होएगा। देखते क्या निष्कर्ष लिखा है तुमने, यहाँ तक तो बुलेट पॉइंट में लिखा, और ये कौन सा तरीका आ गया अमित कि आधा आधा पेज खाली छोड़ दियो फिर उसके बाद तुम भाग गए हो, सो गए थे क्या बीच में, ये देखो ये खाली पेज किसके लिए छोड़ दिया है, सपनों में सर वो मैंने जानबूझकर सर मैंने छोड़ा है सर, कि मुझे अगर
यहाँ ऐसे में किसी के अच्छे लाइंस मिल जाएंगे तो फिर मैं उसको वहाँ ऐसे कॉपी कर दूंगा, तो यही मेरा मॉडल आंसर टाइप का हो जाएगा। अच्छा, ये सोचा था मैंने। चलो ठीक, आपका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। प्रसन्नता एक ऐसी यात्रा जिसे हमें रोजाना कौन जाएगा, पूजा सही है, चलो अच्छे टाइम पे पूजा तुम्हारा ऐसे पढ़ा जाएगा। प्रसन्नता एक ऐसी यात्रा जिसे हमें रोजाना अनुभव करना चाहिए कि किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के बाद यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद जब हम प्रत्येक पल प्रसन्नता के लाभ जीते हैं तभी बच्चे क्या है ये सच्चे अर्थों में ये है। सही लिखो, मैं फिर बताऊँ, सुलेख वाले काम करो। मैं संतुष्ट अभी देखो खुश खुश अभी खुश ऐसे कैसे लग रहा है बताओ, खुश कैसे लग रहा है वो समझा जा रहा है कि खुश होगा। हमें सुधार लो ये चीज़ें, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है। प्रसन्नता एक मार्ग है, गहन जीवन दर्शन है, हमें वर्तमान में जीने और आंतरिक संतोष प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। लंबा जीवन जीने के लिए प्रसन्नता का ही मार्ग बना लेने के मात्र से आप स्वस्थ विवेकशील -5 नंबर इधर भाई इस बॉर्डर लाइन से उधर नहीं लिखना होता। प्रसन्नता हर कोई प्राप्त करना चाहता है, यह न केवल शांत शारीरिक स्वास्थ्य लाभकारी है बल्कि जीवन को सार्थक में खुशहाल बनाती है। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आंतरिक स्वयं को समझने, आत्मसंतोष विकसित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अमित बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं पहले बता रहा हूँ, और ये सीरियस ले लो इन चीज़ों को भाई। बीपीएससी में भी लिखना पड़ेगा, तुम सोच रहे हो बीपीएससी में भाग जाओगे, उधर भी लिखना ही पड़ेगा ऐसे। पूजा पूजा अरे कुछ बोलोगी तुम लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा पूजा ये तो उसी दिन वाला ऐसे है। वही है सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। सोशल गलत लिखा था। हाँ पूजा अरे कुछ बोलो क्यों नहीं, पूजा यहाँ पे हो ना तुम, पूजा बोलो सीरी पूजा, अरे बात करो भाई तुम लोग अपनी कमियाँ, तुम जब तक मेरे से बात नहीं करो तो कैसे दूर होगा, फिर ऐसे लेके बैठने से काम चलेगा। पूजा कुछ रिप्लाई करोगी, मोबाइल छोड़ के चली गई, टाइप करो कम से कम, मोबाइल छोड़ के चली गई। चलो ठीक है मैं पढ़ता हूँ अब जो भी है। अब तुम लोग है ना ऐसे भागोगे मैं डांटूंगा तो भाई सबाई सी बात है, तुम लोग कमियाँ नहीं बताऊँगा तो मैं कि मेरा क्या काम है ये बताइए, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, तुम लोगों को इनाम दूँ मैं, गोल्ड मेडल चाहिए क्या, गलत लिखोगे तब भी। सोशल मीडिया युवा में छूटने का डर पैदा कर रहा है जिसके कारण उनमें असाद और अकेलापन बढ़ा, पहली बात इसको यूनाइटेड कोमा में ऐसे ऐसे बंद करना चाहिए। चलो ठीक है, सोशल मीडिया आज के वर्तमान युवाओं को छूटने का डर पैदा कर रहा है, यह बात को हम सबको आज शीर्ष पर रखना चाहिए, रखना होगा या प्राथमिकता रखनी चाहिए, कुछ प्राथमिकता रखनी पड़ेगी ऐसा होता है वर्ड रखना होना, जिनसे भविष्य की पीढ़ी पर अत्यधिक खतरा कम हो सके। सोशल मीडिया न केवल हमारे समाज को खतरा पहुंचाता है, अभी पहुंचाता कहीं से भी नहीं लग रहा है, पहुलता लग रहा है, पहुलता काम करो पूजा, बने पिछले साल ही तुम्हें बोला था इसमें काम करना जरूरी है तुम्हारा, बल्कि कई और इनके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं जिन्हें हम निम्न क्षेत्र में देखने का प्रयास करेंगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे अपने के बीच, अब देखो यहाँ पे वाक्य सर्चना हमारे और अपनों के बीच आएगा, अपनों के बीच संवाद करने के लिए पत्र लिखा जाता था जिस पत्र को पहुँचने में महीनों का समय लग जा रहा था। छोड़ो, जिनसे कि आपस में दूर व्यक्तियों से संवाद करना लगभग कठिन होती थी, अब देखो यहाँ सेंटेंस फॉर्म बिल्कुल ख़राब है, वहीं आज से कुछ वर्षों से हम समाज के बीच इस संवाद को सोशल मीडिया में इन संवाद को, अब देखो ये संवाद इस संवाद ये रिपीटेशन ऐसे गलत है, संवाद को लगभग आसान बना दिया है क्योंकि आज हमारे बीच इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम देखो 8 ग्राम हो गया, 8 ग्राम, 8 ग्राम, अरे 8 फेसबुक आदि सारे संचार के माध्यम से हमारे बीच संवाद लगभग है। फेसबुक है हर 24 घंटे 7 के रूप में छोट, अभी देखो ये क्या है होती रहती है के रूप में, क्या क्या बीच संवाद लगभग हर 24 घंटे 7 के रूप में होती रहती है। फिर हम कह सकते हैं कि यह पहले के पत्र संवाद की तुलना में हमारे लिए अत्यधिक खतरा भी पैदा कर रहा है।
जिनसे आज के वर्तमान पीढ़ी के युवा को छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिससे कारण में अस्वाद अकेलापन बढ़ रहा है। भाई बात यही, वो ऐसे यही पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस तथ्य को हम विद्यार्थी जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज से लगभग कुछ दशक पहले, दशक ऐसे लिखा ही नहीं जाता, ऐसे लिखा जाता है। अब यही कमियां मैं फिर बता रहा हूँ, अब तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। अब ये कमियां तभी दूर होगी जब आप भाई पढ़ोगे वो दृष्टि वाली ऐसी वाली बुक, पढ़ो एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। विदाउट पढ़े कुछ नहीं होगा। बच्चे पर उनके माता पिता के दबाव कम देखने को मिलते थे, जिनसे बच्चे में आत्महत्या की दर भी कम देखने को मिलती थी। इसके कारण है पहले बच्चों में बेरोजगार के अवसर कम दिखाई पड़ती थी, पड़ती थी, पड़ती पड़ती। अब तो ये तय है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा, मैं नहीं लगा था ना। वह जनसंख्या भी कम था, सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार भी नहीं थी। बच्चे पर कोई भी काम को अपनी इच्छा से किया करते थे, उनकी इच्छा में उनके माता पिता की सहमति से होती थी। परंतु वर्तमान कुछ वर्षों से हमारे समाज में सोशल मीडिया के दौर में युवा पीढ़ी के बच्चों पर काम और रोजगार और माता पिता की इच्छा से बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया है, बच्चों को काफ़ी दबाव में ला दिया, जिनसे बच्चे में आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष बढ़ती दिखाई दे रही है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान कोटा में बच्चों पर शिक्षक का दबाव, जब ये गलत लिखा है अपने बच्चों पर शिक्षक। अब पहली बात तुम लिख क्या रहे हो, ये आत्महत्या का क्वेश्चन है नहीं, सोशल मीडिया का कैसे छूटने का डर पैदा कर रहा है ये मैं फिर बता रहा हूँ। ऐसे की थीम यहाँ है, तुम लिख रहे हो, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। लिखने से, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है। ये एग्ज़ाम नहीं है, 10th 12th एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम। उच्चतर करना, जिनसे निम्न व कम मेहनती बच्चों में आत्महत्या की दर दिखाई पड़ रहा है, तो बच्चों में सोशल मीडिया ने उनके समाज कई परिवार के साथ जुड़ी भावनाओं से भी दूर रहा है, जिस कारण बच्चों में छूटने का डर पैदा कर दिया और अकेलापन भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया ने आज के वर्तमान युवा पर काफ़ी असर, अब देखो तुम बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। नकारात्मक परिणाम यह है कि इसका कटाव तो खुद से न पड़ने के कारण इस पर सोचने समझने क्षमता विकसित होने में कमी देखने मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों में आधा अधूरा ज्ञान के कारण भी चिंताएँ बढ़ती है, इसे अकेलापन और साथ। अब देखो तुम बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रही हो। इसी तरह मैं आगे कुछ और अध्ययन करता हूँ, देखने में उनके विचारों के बारे में समझिए। कुछ अध्ययन से पता चला कि सोशल मीडिया को भारी उपयोग और अवसाद के कारण बढ़ते लक्षणों पूजा बहुत भयंकर गड़बड़िया है। तुम लोग नहीं मेहनत करोगे यही हाल रहेगा, एक साल बाद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य विकास लगभग 7.5% भारतीयों को प्रभावित करते, जिससे सोशल मीडिया से प्रेरित एक योगदान कारक। कुछ रिसर्च के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने सोशल मीडिया को सीमित उपयोग किया है उनमें अकेलापन में काम देखने को मिला है, वहीं जिसमें सोशल मीडिया पर अधिक समय देने के कारण अकेलापन अवसाद का शिकार बन गया है। भाई वो क्या पूछ रहा है ऐसे, सोशल मीडिया से दूर अकेलापन से छुटकारा के लिए हम सबको डिजिटल के बजाय आमने सामने बातचीत को प्रोत्साहित करने से कह। अरे वो टॉपिक है ही नहीं। समय गतिविधि जैसे पहल सोशल मीडिया के प्रभाव को बिना वास्तविक कनेक्शन अवसर प्रदान कर सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये क्या अमर सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर गया ऐसे आएगा ना, अमर काहे बना रहे इसको। मानो लगभग 1.5 करोड़ अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, युवा संस्कृति में सोशल मीडिया का प्रभाव काफ़ी गहरा है। अब देखो बार बार यही सब चीज़ें रिपीट हो रहे हैं। भारतीय युवा अक्सर असफलता जीवन शैली विकल्प सामाजिक दबाव उपरोक्त कमियों के बावजूद है, तब भी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया आज के वर्तमान युवा में एक क्रांति ला सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ, पूजा मेरे से बात करो, तुम लोग ऐसे नहीं होगा। तुम लोग क्या ही पढ़ाई कर रहे थे, क्या उन्हें मैसेज किया था उसने? पूजा आवाज़ आ रही है तुम्हारी? मेरी आवाज़ आ रही है पूजा? नेटवर्क स्लो है सर। चलो ठीक है, अब देख लो तुम लोग ये ऐसे हालात रहेंगे, एक एक साल हो गई, क्या ही करोगे तुम लोग ऐसे। फिर नेटवर्क चलो है, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मैं सुन पा रही हूँ कुछ? ठीक है चलो, सुनना ही जरूरी है, कान खुल के रखो। देखो पूजा हकीकत बात यही है, देखो मैं फिर भाई एक बार मैं सबसे लोगों, तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई। देखो ना जीवन बर्बाद मत करो,
करना है तो तैयारी सीरियसली करो, ने मत करो, मैं साफ बता रहा हूँ ये चीज। मेरी तरह 7-8 साल जीवन गुजारने के बाद में ना पीछे मुड़ के देखो कुछ भी नहीं लगेगा जीवन में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ करना है तो सीरियस तैयारी करो, ने मत करो। इस तैयारी से तो कुछ भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। जिस टाइप के तुम ऐसे लिख रहे हो, एक एक साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तुम लोगों में, बात पूजा की नहीं है, पूजा एटलीस्ट लिख के तो जमा की, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी नहीं है, तो इस बहाने कुछ भी नहीं होने जा रहा। करना तो तैयारी सीरियसली करो, नहीं तो मत करो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैं पूछता फटाफट पूछता जाता हूँ, सब बताओ ऐसे पे पीडीएफ खोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन लोग कितने क्या तैयारी करके आए। आप तुम्हारा कहाँ क्या उस जो सिनेप्सिस गए थे नहीं लिखे क्यों? अरे मैं सोचा ये वाला काम करवाएंगे। क्या काम करवाएंगे? जो आप मैसेज किए थे कि अच्छा जब ऐसी क्लास है तो ऐसी क्लास होगी ना, वो तो मैं बोला फ्री रहूँगा तो मैं करवाऊंगा। अच्छा मैं सोचा कि आज ये वाला होगा। बस अच्छा बहाना है। बहाना नहीं है, मैं करा भी नहीं, मैं करा भी नहीं। हाँ तो कोई तो बता ना क्यों नहीं किए, बात वो है ना ये क्यों नहीं। चलो ठीक है, तो मैं ऐसे टॉपिक खोल रहा हूँ, सब अपने अपने पॉइंट बताना, देखते हैं आज आप पता लग जाएगा अभी तुम लोग क्या ही पढ़ रहे हो। किस किस ने काम किया? नूरी तुमने काम किया है? जी सर। चलो ठीक है, आपसे शुरुआत करते हैं फिर। सर मैं सेंड कर दूंगी कल। कल क्या होगा? कब नहीं होता है ना। चलो ठीक है, तो अपन सबसे पहला ये सोशल मीडिया वाला टॉपिक उठाते हैं जो पूजा ने लिखा भी था। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा? नूरी आप बताइए, तुम बताओगी। चलो ये सना बता रही है, सर सब ध्यान से सुनना, कोई इसके जो अच्छे पॉइंट लगे वो नोट डाउन करते जाना। बताओ सर, एग्जांपल नहीं बतानी है, स्टार्टिंग से बताओ। आप बताओ ना, आप जो भी पहले तो आप इसका क्या मीनिंग समझो ये बताओ पहले। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे भाई सर बताऊंगी पहले पूरा ऐसे का टॉपिक क्या है तुम बता क्या रहे दूंगा ये कभी लपड़े। सर मैंने तो इस पे ही किया काम, तो फिर तुमने क्या बोला? आप सोशल मीडिया का किसी और से पूछो सर। क्यों, मैंने सारे टॉपिक काम करने को बोला था सर, मैं इस पे। प्रीति तुमने कुछ काम किया है? प्रीति अरे मैं फिर बता रहा हूँ ये बात समझ लो, जब तक खुद से काम नहीं करोगे कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रीति बताइए आपने कुछ काम किया है? जब मैंने बोला था 6 टॉपिक पे काम करके आना। प्रीति अमित मेरा नहीं हुआ लिखने लगा। नूरी नूरी आप बताइए। सर मैंने सही से रिलेट नहीं कर पाया, इसलिए कल करते। तुम लोगों ना डंडे से मारना चाहिए, सही बता। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानने वाले हो। सर लिखे हैं बट गलत है, सही नहीं लग रहे। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप बताइए सही गलत का, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। आप कैसे अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं सही गलत लिखा है आपने? आप बताइए पॉइंट, हम फिर हम देखेंगे भाई आपका कितना गलत जा रहा है, सही जा रहा हो सर, सही भी हो। बताओ सर कल सेंड कर सकते? कबीर का दोहा सुना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, भौरी करेगा कब, पल्ले होगी तब। तुम लोग हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होने के बाद तुम लोग खुद क्या ही हाल होगा सर, ये वाला डिस्कस कर लो फिर। हाँ ठीक है, तुम बताओ। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए, बताओ। हाँ सर, ये पहले तो ये अब्राहम लिंकन का कोट था। ठीक है, और इसमें इसका मीनिंग है पहले हम इसको तोड़ेंगे, मनुष्य के प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब मनुष्य के जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ
उसकी कठिनाई में भी हो सकती है, बाधा चुनौती मुश्किलें ना उम्मीदें उसके खिलाफ जो उसके अगेंस्ट हो रही है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में आ जाएंगी। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं अब्राहम लिंकन का, जो जिनका ये कोट है, इसमें नेल्सन मंडेला का आ जाएगा और एपीजे अब्दुल कलाम का आ जाएगा। उन्होंने एकदम शक्ति के साथ में अपनी जो जीवन है उसको आराम से शक्ति के साथ होते हुए भी सादा और दुरुपयोग नहीं किया। और एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर, ये सामाजिक वाले में आ जाएंगे। और इसमें आ जाएगा एक मिनट को, ये मैंने बता दिया था। और इसमें आ जाएंगे मार्टिन लूथर, और जो शक्ति के दुरुपयोग किया इन्होंने उसका, इनके चरित्र का परीक्षण में आ जाएगा। एग्जांपल हिटलर का, हिटलर, नेपोलियन, इंदिरा गांधी का आपातकाल वाला आ जाएगा, मैरिस कुक, ये व्यवसायी और राजनेता थे, इन्होंने उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो किया था। और जो शक्ति और जिम्मेदारी के साथ मेरे लिंकर आ जाएंगे, एम के जी और मिलेगा लिंकर सर। हो गया, अभी कुछ है वो, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो शक्ति के साथ में उन्होंने निगेटिव किए उनमें ये आ जाएंगे। क्या रॉबर्ट मुगावे, भ्रष्टाचार का सहारा लिया था इन्होंने शक्ति के साथ में। और डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, इन्होंने व्यापारिक शक्ति का प्रयोग किया था और व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये निगेटिव में आ जाएंगे आर्थिक क्षेत्र में। और ये बिल गेट्स आ जाएंगे, इन्होंने बहुत दान भी दिया था और आर्थिक क्षेत्र में मदद की थी समाज के लिए। और मलाला यूसुफ जी आ जाएंगे और रिचर्ड ब्रैनसन आ जाएंगे और ये टेरी सुंदरी। बस हो गया, बोलो क्या बोल रहे थे। जैसे मैं कह रहा था कि जैसे अब्राहम लिंकन का हो गया और उनका हो गया, तो ये लोग तो प्रतिकूल स्थितियों से ही उत्पन्न हुए, प्रतिकूल स्थितियों के बाद उभर के इनके पास शक्ति आई, शक्ति के बाद इन्होंने अनुकूल काम किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया, तो इनके चरित्र का परीक्षण हुआ अच्छे स्वभाव, पॉजिटिव, सकारात्मक। और दूसरी बात जैसे कि वो गरीबी की संस्कृति जो है प्रतिकूल स्थितियों के में जीने के लिए, वो कहते हैं कि मतलब कि संतोषम परम सुखम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि संतोष में ही सुख है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, ये गरीबी को मतलब जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कि गरीबी में तो लोग जी सकते हैं। और उसके बाद लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना हो तो उसे शक्ति देखो जैसे कि अब जो व्यक्ति शक्तिहीन है, जैसे हो गए ए क्या नाम है इनका, भीमराव अम्बेडकर चाहते थे तो अपने समाज से कट के अच्छा जीवन जी सकते थे, उनके पास शक्तियाँ भी थी, अच्छा जीवन जीते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने जो शक्ति और संपदा थी उसका मतलब व्यवहारिक प्रयोग करके लोगों के जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयास किया, जो मतलब समाज के वंचित तबके के लोग थे। और इसी तरह उनका वारेन बफे का उदाहरण दिया जा सकता है, जो भीमराव अंबेडकर बोला मैंने, जो वारेन बफेट जो थे अपने संपत्ति का प्रयोग अपने मतलब विलासितापूर्ण जीवन के लिए कर सकते थे, लेकिन बिल गेट्स एंड मिलिंडा जो उनका फाउंडेशन था वो उनके लिए बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे थे। वैसे जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो जो बच्चों के जीवन में कंप्यूटर वाली शिक्षा की बात करता है, वो चाहता तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ और भी हैं वो अपना उसमें विस्तार करता, लेकिन बच्चों के जीवन के लिए मतलब काम कर रहा है। इसका यूनिसेफ का उदाहरण दिया जा सकता है जो बच्चों की एजुकेशन पे काम करता है। और नकारात्मक उसमें हिटलर का दिया ही जा सकता है, हिटलर के पास शक्ति थी, उसने जनता के ऊपर ही रूप। आप लोगों में कोई कुछ बोलना चाहेगा, प्रीति, वैशाली, नूरी, अमित, तरुणा, पूजा, कुछ बोलोगे इस टॉपिक के बारे में? टॉपिक कौन सा था? टॉपिक था, रुक जाओ अभी मैं खोल के बता रहा हूँ, रुक जाओ। मनुष्य की सर, हम बोले, हाँ बोलो बोलो पूजा। टॉपिक है सेक्शन बी का, ये वाला टॉपिक, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परिश्रम के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखे। बताओ पूजा, बोलो।
पूजा आवाज आ रही है, बोलो। प्रीति करुणा कोई बोलेगा कोई? सर मैं बोलूं थोड़ा सा? हाँ बोलो बोलो जी। सर जैसे लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम आती है सारी समस्याओं का इंसान जो है व्यक्ति है सारी परिस्थितियों को झेलता चला जाता है। जब अगर उसको किसी कोई पद मिल जाता है या कोई मतलब शक्ति मिल जाती है तो उसका कैसे चरित्र बदल जाता है, अपनी शक्ति के मतलब उसका अहंकार और एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है सर, उसका चरित्र ही चेंज हो जाता है। जैसे कि सर गांधी जी जनता के विश्वास की शक्ति उनके साथ थी तो वो कभी अब मतलब बदले नहीं, मतलब अपनी भावना उनका चरित्र एटीट्यूड एकदम बदला नहीं, मतलब जैसे थे वैसे ही रहे, तो उनका चरित्र चेंज नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव वे में देख सकते हैं सर। ठीक है। और कोई कुछ बताएगा? तुम लोग है ना, देखो पहली बात मैं फिर बता रहा हूँ मेरा क्या, मैं तो बता दूंगा फिर वही होगा हाल जो तुम्हारा ये सब होगा हाल है ना, एक साल बाद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, यही हाल होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ काम करके नहीं आओगे तो मैं कल का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये ऐसे पे काम नहीं हुआ और आगे ऐसे लापरवाही की तो मैं फिर मैं करवाऊंगा नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ मेरा क्या, मैं तो बता दूंगा, बता के निकल जाऊंगा, तुम लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, खुद से सर्च करके आओगे। मैंने क्या बोला था, जैसे यही टॉपिक है, सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखना, कोई भी ऐसे का टॉपिक हो तो उसको ब्रेक करना होता है। देखो इसे इस ऐसे में दो पार्ट है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, तो पहले जाके मेरे क्लासेस देखो, तुम लोग क्लास ही नहीं देखे हो। मैंने क्या बोला वहाँ WH वर्ड लगाओ, क्या सभी एक ऐसे लिखने का तरीका ये होता है, क्या सभी व्यक्ति कर सकते हैं? नहीं, यस या नो, तो वो एक पार्ट बनेगा इसमें। और कौन कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ ह्यूमन मेड होती है और एक होते नेचुरल, नेचुरल का सही कर सकता है सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना। भूकंप का क्या कर लोगे तुम, उसमें सुधार कर सकते हो, तो आधा ऐसे तो इसी पे लिखा जाएगा, बहुत सारे पार्ट इसी के बनेंगे, फिर आगे वाला पार्ट। लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। अब कैरेक्टर को अगर आपको चेक करना है तो उसको पावर देके देखो। जैसे अगर मान लो कि महात्मा गांधी, उसके पास उस टाइम इतनी पावर थी, चाहते तो उसको नेगेटिव ऐसे यूज कर सकते थे जैसे जिन्ना ने यूज किया, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, दो दो पैरेलल, एक अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक नेगेटिव एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। सर इसमें एग्जाम्पल नेपोलियन का भी आ सकता है, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा समाज उसमें था, फिर उसमें की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी तो वो फिर विस्तारवादी नीति में चला गया था, जिससे जिनका उसने भला किया था उसी जनता ने फिर उसको सजा भी दे दी थी नेपोलियन। ठीक है, तो पहले तो आप जाओगे व्यक्ति के लेवल पे, फिर किसी व्यक्ति के लेवल के बाद में आप जाओगे समाज के लेवल पे, समाज जैसे महिलाओं को शोषण करता है क्योंकि समाज के पास अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में आप जाओगे देश के लेवल पर, जैसे चाइना। ठीक है, चाइना देखो, चाइना के पास जैसे जैसे पावर वो पावरफुल बनते जा रहा है, आप देखो कैसे वो नेगेटिव कर रहा है, तो ऐसे आपको इसको जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा ऐसे है, अरे बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। आप लोग काम करके नहीं आओगे तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा क्या, मैं तो बता दूंगा अभी, पर आप लोगों का सोचने समझने का तरीका चेंज नहीं होगा जब तक। अरे ऐसे काम करोगे तो फिर मुझे मत बोलना, फिर भाई रिजल्ट वही रहने वाला है सेम। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अभी जितने भी ऐसे हैं ये देखो जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो छह टॉपिक है और आगे जितने भी है ChatGPT पे जाके डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 2024 वाले के पीछे कोई सॉल्यूशन आया नहीं होगा। अगर आया तो यूट्यूब पे जाके देखो, वहाँ से पॉइंट सर्च करो, मेहनत करना सीखो, ChatGPT पे जाके टॉपिक को डालो और उसको बोलो कि 1250 वर्ड्स में, उसके बाद UPSC विथ एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, ऐसे करके डालोगे तब एक अच्छा खासा ऐसे आएगा, मतलब ठीक ठाक आ जाएगा। वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट अपने नोट डाउन करो, उसके बाद में आपको क्या करना है, जंगल सभ्यता से पहले आते रेगिस्तान के बाद, तो भाई पॉलिटिकल एग्जांपल बताओ ऐसे उसमें लिख देना, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एग्जांपल बताओ, इन्वायरमेंट एग्जांपल बताओ, साइंस टेक एग्जांपल बताओ, ऐसे करके उसमें ChatGPT में डालोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अरे मेहनत करो, ऐसे बिना मेहनत कुछ ही नहीं होगा। मेरा क्या, अभी मैं तो बता दूंगा इसमें क्या है, जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। अभी बहुत अच्छे टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, यही घूम फिर के आपके एथिक्स में आ जाएंगे यही क्वेश्चन। ठीक है, कल यही इन्हीं में से कल आपका ऐसे पेपर में रिपीट हो जाएगा। जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे, पॉइंट गैदरिंग नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा।
चलो ठीक है, तो मैं वो जीएस वाला पेपर करा रहा हूँ। इसको ऐसे क्लास को यहीं एंड करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं।